भारत में फिर मिला सोने की खदान, विश्व के कई देशों में हो रही हैरानी। हमारे साथ सुनिए नए खजाने की मिलेगी पूरी कहानी। इस नए खजाने की खबर सुनकर अमेरिका तक के उड़ गए होश, चीन होने लगा बेहोश। हमारे साथ समझिए पूरा मामला और जानिए कैसे अभी भी सोने का चिड़िया बना हुआ है भारत। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते, बल्कि भारत की कई जगहों पर समय समय पर अपार धन संपदा मिलती रहती है। और ऐसा ही एक खजाना अभी हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड में मिला है, जो इतना ज्यादा है कि इसके द्वारा बहुत सारे गरीब तबके के लोगों को अमीरी का ताज पहनाया जा सकता है। और इस जमीन पर दबे सोने को निकालने की कवायद बहुत तेज हो गई है। बीते समय में पाल राजवंश की राजधानी रहे अस्कोट क्षेत्र में धरती के नीचे दबे सोने को निकालने के लिए हैदराबाद की कंपनी से करार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव के विस्तार की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। डीडीहाट क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुपवाल ने पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए इन बातों का स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि पूर्व में कराए गए भूगर्भीय सर्वेक्षण में अस्कोट से जौलजीबी और ओगला से भागीचोरा तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के भूगर्भ में सोना, तांबा, जस्ता और शीशा होने की पुष्टि हो चुकी है। कनाडा की कंपनी ने भी सर्वे किया था। धरती के गर्भ से सोना निकाले जाने के लिए पूर्व में कनाडा की कंपनी के साथ गोल्ड माइन समझौता हुआ था। कंपनी ने क्षेत्र में कई सुरंग तैयार कर सर्वे पूरा कर लिया था, लेकिन इस बीच अस्कोट अभ्यारण का पेच फंस गया था, जिसके चलते कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ा। उसके बाद हैदराबाद की कंपनी के साथ करार किया गया ताकि काम ना रुके। तो वहीं इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि अस्कोट अभ्यारण का पेच हटने के बाद हैदराबाद की एक कंपनी ने सोना निकालने में रुचि दिखाई है। कंपनी के साथ करार हो चुका है। पूर्व में सोना, जस्ता, शीशा आदि खनिज निकालने के लिए जो लीज स्वीकृत हुई थी, उसके विस्तार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। खनन कार्य शुरू होते ही क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इसको लेकर आगे बताया कि आने वाला समय पिथौरागढ़ जनपद का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और ओम पर्वत पहुंचने के बाद अब बड़ी तादाद में पर्यटक यहां आने लगे हैं। गढ़वाल में चार धाम यात्रा में जिस तरह हरिद्वार से बद्रीनाथ, केदारनाथ तक लोगों का फायदा हुआ है, उसी तरह आदि कैलाश से पूरे जनपद के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तवाघाट लिपुलेक सड़क को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य योजना बन रही है। वैसे फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारत में इतनी मात्रा में खजाना मिला हो और उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी ली जा रही हो, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के कई सोने के भंडार मिलते रहे हैं और भारत सरकार को इन सोने के भंडारों से आर्थिक लाभ होता रहा है। इसलिए समय समय पर भारत का खनिज खोजने वाला विभाग लगातार कोशिश करता रहता है ताकि इस तरह के दबे खजानों को बाहर निकाला जा सके और भारत को दुनिया के धनवान देश में और आगे ले जाया जा सके। वैसे आपको हमारी इस खबर पर क्या कहना है कि क्या वास्तव में भारत आज भी सोने की चिड़िया है? बस ये सोना भारत की भूमि में जगह जगह दबा हुआ है। इस पूरे विषय को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।